So finally, Dr. Surbhi, I wanted to ask you your top tips for teenage girls who are menstruating. What are some of those things that you absolutely tell them to follow, to watch out, and to observe? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी एक एनजीओ रन करती हूँ सच्ची सहेली, और जिसमें मैं मेंस्ट्रुएशन पे खासकर एडोलेसेंट लेडीज लड़कियों को समझाती हूँ. तो मेरा एक हमेशा होता है कि ये इसको एक अपना ना मंत्र बना लो कि मैं बोलूँगी, मुंह खोलूँगी, तभी ज़माना बदलेगा. कुछ भी प्रॉब्लम है तो शर्मा के, डर के बैठ मत जाओ किसी कोने में, किसी से डिस्कस करो, क्योंकि आपके लिए चीज़ नहीं है. आपको भले ही कितना लग रहा है कि हमें शर्म क्यों आती है, क्योंकि हमें लगता है ये ऐसी जगह से आ रहा है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते. हम उस बॉडी पार्ट को लेके बहुत शर्मिंदा रहते हैं. अगर ये नाक से ब्लड आ रहा होता है तो हमें डर नहीं लगता, मुँह से आ रहा होता है तो हम बात कर लेते हैं, उंगली से निकलता है. लेकिन तो इस बात को हटा दीजिए, क्योंकि हर बॉडी ऑर्गन का अपना एक काम है, वो उसकी तरह से काम कर रहा है. अब आपने, इंसानों ने उसको शर्म का टॉपिक बना लिया, तो इसमें उस बॉडी ऑर्गन की कोई गलती नहीं है. वो तो अपना काम कर रहा है, उसको तो बना ही इस चीज के लिए, वो कर रहा है. तो ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हमारे इंसानों की प्रॉब्लम है कि हमने उसको किस कैटेगरी में डाला. उस ऑर्गन की बिल्कुल दिक्कत नहीं है. तो ये बात अपने मन में बिठा लीजिए कि उसका काम ही है ये. अगर कुछ भी होता है, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, अगर हमने अभी हमने ये डिस्कस किया कि ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, कम हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, दर्द हो रहा है तो क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. हो सकता है इसके अलावा भी, जैसे वाइट डिस्चार्ज आपको हो, आपको समझ नहीं आएगा, खुजली होने लगे, जलन होने लगे, बदबू आने लगे, कुछ भी ऐसी चीज लग रही है जो एबनॉर्मल है, जो आपको देख के ठीक नहीं लग रहा. भले वो तो नॉर्मल आपको ये लग रहा होगा, सबको ही होता होगा, आप किसी से पूछूं नहीं, आप पूछो, आप बोलो, ये बहुत जरूरी है. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैड लगाना, हटाना, थ्रो करना, हाइजीनिकली थ्रो करना, बार बार हाथ धोना, पैड लगाने से पहले पैड. मैं बार बार पैड बोल रही हूँ, बट आपके पास और भी ऑप्शन है. आप टेम्पोन भी लगा सकते हो, मेंस्ट्रुअल कप भी लगा सकते हो, पर जो भी सामान आप, जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट आप यूज करो, उसको आप प्रॉपरली यूज करो. हाथ साफ होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि उसके बाद हाथ धोने हैं, वो भी एक बॉडी ऑर्गन है, वहां पर भी हाइजीन की जरूरत है. तो आप वो भी हमेशा हाथ धोने के बाद ही कोई प्रोडक्ट आप वहां पे इंसर्ट करो या लगाओ, ठीक है. इसके अलावा हाइजीन, जो मेजर मैंने जो सिम्टम शुरू से बताया, उसको पूरा सुनेंगे आप दोबारा तो आपको याद हो जाएंगे कि क्या करना है. हमेशा अपने पास कोई पाउच रखो, ऐसा जैसे कि आपको पीरियड्स का जो भूत होता है ना, क्योंकि सब पीरियड्स कुछ नहीं है, एक भूत है जो हमारे कंधे पे ना पैदा होते ही, मतलब जैसे ही पहली बार पीरियड्स आते हैं और हम मम्मी को या टीचर को बताते हैं, तो एक भूत हमारे कंधे पे बैठा देते हैं, और वो भूत हमें क्या कहता है, किसी को पता ना चल जाए. तो सबसे पहले इस भूत को उठा के पटक दो, पता चलने दो, पता चलने दो. अपने पास एक हाइजीन पाउच रखो, उस पाउच के अंदर आप अगर पैड यूज करते हो तो पैड, टेम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप, उसमें हमेशा आपके पर्स में वो होना चाहिए. ये पीरियड्स आपको डरा नहीं सकते अगर आप तैयार हैं तो. उसको थ्रो करने के लिए आपके पास एक रफ पेपर होना चाहिए, हैंड वॉश करने के लिए लिक्विड सोप या पेपर सोप होना चाहिए. साथ में एक पैंटी भी रखो, अगर आपकी पैंटी स्टेन हो गई है तो फटाफट नई पैंटी निकालो, पुरानी पैंटी को रोल करके एक पेपर बैग में, एक पेपर बैग भी आप उसके अंदर रखो. इसको हम 5P बोलते हैं. एक पैड रखा है आपने या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जो आपको रखना है, तो एक पैड, एक पैंटी, एक पेपर सोप, एक पेपर बैग और एक रफ पेपर. तो अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं बच्चों, तो आपको पीरियड्स कभी नहीं डरा सकते. अगर आपको पेन होता है पीरियड्स में, तो आप मेडिसिन भी डॉक्टर की सलाह से उसमें रख सकते हैं, तो आप उसमें 5, 6th एलिमेंट भी रख सकते हैं. तो डरना नहीं है इससे, ना शर्माना है, बोलना है और खड़े रहना है इसके लिए. तो मेरी यही एडवाइस है कि हाइजीन मेंटेन रखो और हमेशा प्रिपेयर रहो, हमेशा प्रिपेयर रहो. That's perfect advice and a perfect note to end our discussion today. Thank you so much, Dr. Surbhi. आज पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को हमने जवाब दिया और जैसा कि आपने बोला, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, उसको पढ़ें, अपने पीरियड्स को ऑब्जर्व करें, कुछ भी अंडर एस्टिमेट ना करें, अज्यूम ना करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाएं. सो थैंक यू सो मच, डॉक्टर सुरभि. इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू discuss all these issues today. Thank you. Thank you so much, Aarti. Thank you so much, Love Matter India, for inviting me for this discussion. Thank you.